फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में विस्तार से जानेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके पहचान के नियम को देखते हैं। जब भी किसी सेंटेंस के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाता है। जैसे, वह खाता रहा है, तुम गाते रहे हो, वे लोग खेलते रहे हैं, राधा नाचती रही है। चलिए अब हम इसके बनाने के नियम को समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे, वह खाता रहा है, ही हैज़ बीन ईटिंग। वे लोग खेलते रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को ड्यूरेशन के साथ देखेंगे, जिसमें हम सिंस और फॉर लगाते हैं। जैसे, वे लोग 3 घंटों से खेल रहे हैं, वह 7 बजे से पढ़ रहा है। तो इसमें पहले सेंटेंस में 3 घंटों से ड्यूरेशन है और दूसरे सेंटेंस में 7 बजे से ड्यूरेशन है। चलिए पहले हम समझते हैं कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस ड्यूरेशन। तो चलिए हम जानते हैं कि सिंस कहाँ लगाते हैं और फॉर कहाँ लगाते हैं। बजे से दिया हो, जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से, तो उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। दिन का नाम हो, जैसे सोमवार से, बुधवार से, शनिवार से, किसी भी दिन का नाम हो, तो उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जब साल का नाम हो, जैसे 1980 से, 2010 से, 1890 से, तो वहाँ पर भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जब महीने का नाम दिया हो, जैसे जनवरी से, मार्च से, जून से, किसी भी महीने का नाम हो, तो वहाँ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। कल से, सुबह से, शाम से, बचपन से, जवानी से, ऐसा रहे, तो भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं जिस सेंटेंस में ना तो टाइम का नाम दिया हो, ना दिन, महीना, ना साल का नाम दिया हो। जैसे, 2 घंटों से, कुछ घंटों से, कुछ समय से, कई घंटों से, कुछ दिनों से, कई दिनों से, 4 दिनों से, बहुत दिनों से, कुछ सप्ताह से, 2 सालों से, 4 सालों से, तो ऐसे में हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कुछ सालों से, कई सालों से, कुछ महीनों से, 10 महीनों से, ऐसा दिया हो तो फॉर लगेगा। अर्थात उसमें ना तो दिन का नाम, ना महीने का नाम दिया होगा, ना तो बजे से दिया रहेगा। तो चलिए फिर हम एक एक करके सेंटेंस बनाते हुए इसे समझते हैं। वे लोग 4 घंटों से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। मैं 7 बजे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 7 o'clock। मोहित सोमवार से मैच खेल रहा है। मोहित हैज़ बीन प्लेइंग मैच सिंस मंडे। मेरे पिताजी 2004 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। माय फादर हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2004। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।